बीजेपी नेताओं का ये दावा रहता है कि मोदी के पीएम बनने के बाद दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ा है, लेकिन इस दबदबे की पोल खुलती दिख रही है। कनाडा ने एयर इंडिया की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है और उसे एक निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी हो रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट में। कनाडा की एक कोर्ट में भारत सरकार को तगड़ा झटका मिला है। देवास मल्टीमीडिया के साथ चल रहे कई साल पुराने एक मुकदमे में कोर्ट के ऑर्डर के बाद एयर इंडिया और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं। ये संपत्तियां कनाडा के क्यूबेक इलाके में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास रखी हुई थी। ये मामला इसरो की एंट्रिक्स कॉर्प और देवास के बीच हुए एक सैटेलाइट सौदे से जुड़ा है, जिसे 2017 में कैंसिल कर दिया गया था। क्यूबेक की सुपीरियर कोर्ट ने इस सिलसिले में 24 नवंबर और 21 दिसंबर को दो ऑर्डर सुनाए। इनमें IATA के पास रखी AAI और एयर इंडिया की संपत्तियां जब्त करने का आदेश दिया गया, ताकि देवास के पक्ष में रिकवरी की जा सके। कनाडा में की गई इस कार्रवाई को भारत सरकार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। इस एक्शन से भारत को इन्वेस्टमेंट के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में पेश करने के सरकार की कोशिशों को झटका लग सकता है। अभी इस फैसले पर भारत सरकार एयर इंडिया या AAI की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। एयर इंडिया की हाल ही में सफल नीलामी हुई है और अब ये टाटा समूह का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कनाडा में की गई कार्रवाई से टाटा समूह को कोई नुकसान होने का अंदेशा नहीं है। टाटा समूह और सरकार के बीच एक डील हुई है जिसमें कानूनी क्लॉक है कि जिसमें इस तरह के मामलों में सुरक्षा कवर का प्रावधान किया गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।